हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से मामी। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ बच्चों के दांत के बारे में कि जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और बच्चा जो है वो कौन कौन सी कठिनाइयों से गुजरता है और एज ए पेरेंट हम लोग उस कठिनाइयों को कैसे थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं कुछ घरेलू नुस्खों से। मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली जो बच्चे के टीथ छाना स्टार्ट हो जाते हैं जब वो अराउंड 7 to 8 months का होता है और उसके जो टीथ्स हैं वो धीरे धीरे आते रहते हैं तकरीबन 2 साल तक। और अगर मैं आपको बात करूं अपने शौर्य की, मैंने उसका पहला जो टीथ है वो देखा था जब वो अराउंड 8 months का था और एज ए पेरेंट्स मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि अब उसकी स्माइल में छोटे छोटे जो टीथ हैं दिखना स्टार्ट हो चुके थे। जो शौर्य है वो 1.5 years का हो चुका है और उसके अराउंड 14 टीथ जो हैं निकल चुके हैं और इन 14 टीथ्स निकलने की जर्नी में जो जो मैंने सिम्टम्स देखे हैं वो मैं अब आपसे क्या है शेयर करने जा रही हूँ। पहला सिम्टम जो हम शौर्य में हमेशा नोटिस करते हैं अब तक वो ये है कि उसकी आईज़ जो हैं वो हमेशा रेड हो जाती हैं। जब भी उसकी आईज़ रेड होती हैं तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि शौर्य के जो दांत हैं वो आने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो हम शौर्य में हमेशा नोटिस करते हैं वो ये है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हल्का सा बढ़ जाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो बहुत लाइट उसको फीवर आता है। बहुत छोटा था तब उसको फीवर एक बार बहुत ज़्यादा आया था लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ रहा है उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती जा रही है जिससे अब उसको बहुत लाइट फीवर आता है। तीसरा, उसकी जो लार है वो बहुत ज़्यादा बहती थी, वो इतनी ज़्यादा बहती थी कि उसके जो भी हम उसको टी शर्ट्स पहनाते थे वो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने ऊपर क्या है पानी डाल के आया है। हम उसको बिप्स पहनाने की कोशिश तो करते थे लेकिन वो बिप्स क्या है जो बिल्कुल नहीं पहनता था, उससे तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता था जिससे क्या है हमें उसकी दिन में कम से कम 6 to 7 जो है टी शर्ट्स बदलनी पड़ती थी। चौथी बात ये है कि जब भी कोई पेरेंट्स बोलता है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से अब हर चीज़ खाने लगा है तो तभी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि बच्चा जो है वो खाना क्या है कम कर देता है। यही चीज़ हुई हमारे शौर्य के साथ, जब उसके टीथ निकलते हैं वो कम से कम 3 to 4 days वो बिल्कुल भी अच्छे से कुछ भी नहीं खाता है। पांचवी बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं आप उनको कुछ भी पकड़ा दो वो बहुत जल्दी हर चीज़ को मुंह में डाल लेते थे। यही चीज़ होती थी हमारे शौर्य के साथ, वो जो क्या है उसके पास जो भी आसपास चीज़ रखी रहती थी वो हर चीज़ को पकड़ता था और उसको क्या है बहुत ज़ोर से काटता था। इवन कि जब हम लोग उसको गोदी में उठाते थे कभी वो हमारे शोल्डर्स पे काट देता था कभी वो हमारे हाथ पे काटता था। बच्चे काटते इसलिए हैं क्योंकि जो उनके मसूड़े हैं वो जब बनते हैं बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और जब वो कोई भी चीज़ चबाते हैं उन्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। सिक्स्थ और लास्ट सिम्टम जो हमने शौर्य में ऑब्जर्व किया और ये मैं 100% बोल सकती हूँ ये हर पेरेंट अपने बच्चे में ऑब्जर्व करेगा जब भी उनके दांत निकलेंगे, वो क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। उसका इरिटेट होना बहुत ही जायज़ है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो पेन से भी गुजरता है, उसके मूड भी स्विंग होते हैं और छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स को बोल के तो कुछ नहीं बता पाता है। इरिटेट होके वो अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस करके बताता है कि हाँ मम्मा एंड पापा मैं इस फेज से गुजर रहा हूँ। पहली जो मैं आपको होम रेमेडी बताने जा रही हूँ वो ये है कि सुहागा और शहद मिला के बच्चों के मसूड़े में मसाज करिए तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है। सुहागा जो होता है वो जनरल स्टोर्स में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। आप सुहागे को गरम तवे पे उसको सेकिए, सेकने से ये रहेगा कि वो जो सुहागा है वो फूल जाएगा और वो बहुत नरम हो जाएगा।
उसके नरम होने के बाद आप उसका क्या है पाउडर बना लीजिए। आप उस पाउडर को हनी के साथ जब मिक्स करेंगे तो क्या है एक लिक्विड बन जाएगा, और उस लिक्विड से आप अपने बच्चे के मसूड़ों में बहुत अच्छे से मसाज करिए। लेकिन इसमें ध्यान रखिए जो आपकी उंगली है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए, अगर वो क्लीन नहीं रहेगी तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको सुहागा नहीं मिलता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ अकेले शहद से भी बच्चे की मसाज कर सकते हैं, उससे भी उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगली बात ये है कि हर पेरेंट्स की तरह हम लोग भी बाहर में जो अवेलेबल टीथर्स हैं वो अपने शौर्य के लिए लेके आए, इवन हमने उसको वो टीथर्स दिए भी, लेकिन कुछ समय बाद हमने उसको वो वाले टीथर्स पकड़ाना बंद कर दिया। हमने उन टीथर्स में ये चीज़ नोटिस करी कि ये जो मार्केट में अवेलेबल टीथर होते हैं वो क्या है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बच्चा उनको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कीटाणु लगने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि अगर आप उसको बहुत अच्छे से पानी से वॉश भी करो तो लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कीटाणु बैक्टीरिया तो रह ही जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा इंस्टेड ऑफ गिविंग वो रेडीमेड टीथर्स, हम क्या है उसको नेचुरल टीथर देंगे। नेचुरल टीथर इन द सेंस हमने उसको गाजर छील के दी, कोई भी कड़क चीज़ जो खाने वाली है वो आप क्या है अपने बच्चे को पकड़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस या बैक्टीरिया अंदर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट इसमें हमें मेक श्योर करना है कोई भी सब्जी या कोई भी खाने वाली चीज़ जो हम उसको पकड़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्या वॉश होनी चाहिए। नेक्स्ट तो मैं जो बातें आपको बताने जा रही हूँ वो हाइजीन के रिलेटेड हैं। पहली बात ये है कि आपको आपके बच्चे के जो नेल्स हैं वो हमेशा ट्रिम करने के रखने हैं, क्योंकि नेल्स ही एक ऐसी पार्ट है जिसमें मैल जो है वो बहुत जल्दी जमा होता है, और आपको पता ही है कि जो बच्चे हैं वो अपनी उंगलियां बहुत मुंह में डालते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके बच्चे के नेल्स हैं वो हमेशा ट्रिम रहें। आप अपने बच्चे का हाथ कम से कम 3 से 4 बार और जब भी ज़रूरत पड़े उसको क्या है साफ़ करके रखिए। दूसरी बात, जहाँ पे भी आपका बच्चा रहता है आप उस जगह को बहुत साफ़ सुथरा बना के रखिए, क्योंकि दांत आने के समय आपको पता है कि बच्चा हर चीज़ को अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। सो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी उसके आसपास सामान है वो बहुत साफ़ सुथरा हो और बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो, कि अगर हम लोग की नज़र इधर उधर थोड़ी सी होती है और बच्चा कोई भी चीज़ मुँह में डाल लेता है तो उसके अंदर कीटाणु जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। और लास्ट और आखिरी बात जो मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे हैं वो अपने क्या है कपड़े भी बहुत ज़्यादा अपने मुंह में डालते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो बच्चे को आप कपड़े पहना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के पहनाइए, और ऐसे पहनाइए कि जिसमें रुएं आने के चांसेस बहुत ही निगलिजिबल हो, ताकि जब अगर बच्चा मुंह में अपने कपड़े भी डालता है जो उसके रुएं हैं उसके मुंह में ना जा सके, जिससे क्या है बच्चा जो बीमार है वो बहुत कम होगा। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं जो मैंने अपने शौर्य के साथ करा, तो क्या पता आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। और लास्ट में जो मैं शौर्य को एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं उसको 7 मंथ से लेके अब तक दे रही हूँ वो है ये। इस मेडिसिन ने शौर्य के दांत निकलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, और ये मेडिसिन जो है वो टेस्टलेस है और बहुत ही जल्दी बच्चे के मुंह में घुल जाती है। ये जो मेडिसिन है आपको बहुत ईजली बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएगी, और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट मैंने अपने बच्चे में नहीं पाया है, बल्कि इसने मेरे बच्चे के ईज़िली उसके दांत निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बच्चे की अपनी कहानी होती है। इसका मतलब ये है हर बच्चे की हर चीज़ के अलग सिम्टम होंगे, उसकी अलग कहानी होगी। सो ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी पेरेंटिंग में देखा शौर्य के साथ। अगर मेरा एक्सपीरियंस जो है आपके कुछ काम आया हो तो मैं इस वीडियो को बहुत अच्छा मानूंगी। सो गाइज, इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और शेयर भी करना,
और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। जल्दी आऊंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने बच्चे के साथ मस्ती करिए, इंजॉय करिए और इस लॉकडाउन में जितना भी आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप उसके साथ स्पेंड करिए। दिल से मॉमी।